10th क्लास हिस्ट्री के नेशनलिज्म इन इंडिया के पार्ट 3 के वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। ये कुछ कंसर्न टॉपिक हैं जो नेशनलिज्म इंडिया के अंदर आते हैं। तो पहला टॉपिक है लाहौर कांग्रेस 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। लाहौर कांग्रेस सेशन और प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू के अंदर हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर कांग्रेस में जो मीटिंग हुई थी उसको उन्होंने अपॉइंट करा था, उन्होंने उस मीटिंग को लिया था। फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर कांग्रेस के सेशन में पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट फॉर डिफरेंट आइडियल और रीजन। समाज के अलग अलग जगह से लोग भारत में सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट का जुड़ रहे थे अपने अलग अलग आइडिया और सोच के साथ। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। इस मूवमेंट की खासियत यह थी कि लार्ज स्केल पर बहुत से औरतों ने इस पर पार्टिसिपेट किया था। चिल्ड्रन ऑफ गॉड बिलीव दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 इयर्स इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। गांधी जी का मानना था कि जब तक भारतीय समाज से छुआछूत भेदभाव इन जैसे चीजों को नहीं हटाया जाएगा तब तक देश आजाद नहीं हो सकता। उन्होंने नीची जाति को लोगों को चिल्ड्रन ऑफ गॉड की संज्ञा दी थी, यानी कि हरिजन की संज्ञा दी थी। दलितों के लीडर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वांटेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिज कम्युनिटी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के लिखने के वक्त और संविधान के लिखने से पहले इन दलित लोगों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करी थी। अकॉर्डिंग टू द पूना पैक्ट दलित गॉड रिजर्व सीट्स इन प्रोविंसल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट दे वेयर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। पूना पैक्ट के तहत ये डिसाइड हुआ कि जब भी हमारा कंट्री आजाद होगा सेंट्रल और प्रोविजनल जो भी इलेक्शन होंगे वहां पे दलित लोगों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी चुनाव में लड़ने के लिए और चुनाव में खड़े होने के लिए। आइसोलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वर्ष हिंदू मुस्लिम कॉम्युनल क्लैशेस एंड राइट्स ऑकर्स इन वेरियस सिटीज। हिंदू और मुसलमानों के जो दंगे थे वो काफी ज्यादा पैदा हो रहे थे आजादी के वक्त, क्योंकि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति को अपनाया था। क्योंकि अंग्रेज ये बात अच्छी तरह समझ गए थे, ब्रिटिशर्स इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि जब तक हिंदू और मुसलमानों को देश में अलग नहीं करेंगे तब तक इनकी आजादी की लड़ाई को नहीं रोका जा सकता। कलेक्टिव लॉन्गिंग्स डेवलप थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। इन दिस रिस्पेक्ट हिस्ट्री फिक्शन फॉक फोर्स सॉन्ग्स पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स ऑल प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। देश की आजादी के लिए देश का गीत, लोगों द्वारा बनाए हुए चिन्ह, लोगों द्वारा बनाए हुए गाने, लोगों द्वारा बनाया गया उत्साह का माहौल देश को आजादी की ओर लेके जा रहा था। इन द 20th सेंचुरी द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया कम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। 20th सेंचुरी में हमारे भारत के अंदर एक इमेज थी भारत माता की, हाथ में भारत का झंडा लिए हुए, जिसने लोगों को काफी ज्यादा प्रेरित करा। द इमेज ऑफ भारत माता वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थ्रू हिज सॉन्ग वंदे मातरम एंड बाय रविंद्रनाथ टैगोर थ्रू हिज इमेज ऑफ भारत माता। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर एंड इन मद्रास नदेशा शास्त्री कलेक्टिव मैसिव कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स एंड सॉन्ग विच प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर डेवलपिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। हमारे कई भारतीय लेखकों और गायकों द्वारा ऐसा माहौल भारत में बनाया गया कि लोग अंदर से प्रेरित हो रहे थे देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए और देश के नेताओं के साथ खड़े होने के लिए। इन 1921 गांधी जी हैड डिजाइंड अ ट्राइकलर स्वराज फ्लैग हैविंग अ स्पाइनिंग व्हील इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग हिज आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प। गांधी जी ने के द्वारा गांधी जी का जो ट्राई कलर था मतलब कि हमारे भारत का जो तिरंगा जो था वो गांधी जी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसमें चरखे को बीच में लाया गया था जो इंडिया के आइडिया और इंडिया के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इंडिया की यूनिटी, इंडिया की प्रॉस्पेरिटी को क्या कर रहा था, शो कर रहा था। थैंक यू।